पहले 500 ग्राम मैदा ले, उसमें एक चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी, एक चम्मच बेकिंग पाउडर और दो चम्मच तेल डालने के बाद थोड़ा सा दूध डाल के अच्छी तरह गूंद ले। गूंदने के बाद थोड़ा सा तेल डाल के उसको अच्छी तरह मल ले। मलने के बाद इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दे। छोटा छोटा गोला में बनाएंगे, गोला बनाएंगे और उसको फिर हम लोगों पूरी इसे भी आकार में बड़ा बना के बेल के अभी उसको तेल में तलना पड़ेगा। उसके बाद आपका ठुंगा पूरी बन जाएगा। उसको आप किसी के साथ भी पनीर सब्जी, पनीर का सब्जी या मटर का सब्जी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं।